वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप में आप लेफ्ट साइड पे अगर देखें स्क्रीन की तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये वो एग्जैक्ट जगह थी जहां पे के फेसबुक ने जन्म लिया था, या फेसबुक शुरू हुई थी इस जगह पे। और ये है अमेरिका में एक जगह, यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले दुनिया के चार लोग थे, चार यंग नौजवान थे, यंग लड़के थे जिन्होंने के फेसबुक को स्टार्ट किया। इनफैक्ट और वही चार लोग थे जिन्होंने सबसे पहले फेसबुक ज्वाइन किया। फिर ऑफ कोर्स उन्होंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आप आइए देखिए ये फेसबुक क्या है और इसमें आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। तो फेसबुक जो है वहां से फैलते फैलते दूसरे सिटीज में चली गई, दूसरी यूनिवर्सिटीज में चली गई, दूसरी कंट्रीज में चली गई, जहां जहां पे लोग एक दूसरे को जानते थे। और सब लोगों ने फेसबुक को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और जब फेसबुक को लोगों ने ज्वाइन किया, उसको अच्छा पाया या उसके अंदर उनको बेनिफिट आते नजर आए, तो फेसबुक बढ़ते 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 आज पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। आज पूरी दुनिया में से कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसके के अंदर फेसबुक जो है वो डेली इस्तेमाल नहीं की जाती हो, फेसबुक जो है वो डेली यूज नहीं की जाती हो। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है टुडे। सो आज फेसबुक के 620 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर फेसबुक एक मुल्क होता, एक कंट्री होती, तो फेसबुक दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क होता। कैसे? नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया आबादी के हिसाब से, और नंबर 3 पे फेसबुक। राइट, सो ये था फेसबुक की छोटी सी कहानी कि फेसबुक कहां से शुरू हुई और किस तरह से दुनिया में फैली। नाउ अभी हम बात करते हैं साइड स्टॉक की, कंपनी जिसके साथ हम इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। साइटॉक इज ऑल्सो ए सोशल कम्युनिटी। साइटॉक भी उसी तरह से एक सोशल कम्युनिटी है जिस तरह से कि फेसबुक है, लेकिन और साइटॉक भी फ्री है ज्वाइन करने के लिए, जिस तरह के फेसबुक है फ्री ज्वाइन करने के लिए, लेकिन एक डिफरेंस के साथ कि साइटॉक पर्पस बिल्ट बनाई गई थी बिजनेस के लिए। और साइटॉक में जब अपना नेटवर्क आप बिल्ड करते हो, जब अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, तो आपका एक नेटवर्क, फ्रेंड्स नेटवर्क बनता चला जाता है। जब अपने दोस्तों का नेटवर्क साइटॉक पर बनाते हैं सोशल कम्युनिटी के वास्ते, तो कंपनी के साथ आप बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको कंपनसेशन भी मिल सकती है आपकी इन एफर्ट्स की। जबकि अगर आप वही चीज फेसबुक में कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको फेसबुक कोई उस चीज का पे नहीं करती। मैं हमेशा अपने दोस्तों से ये 3 क्वेश्चन करता हूँ, 4 क्वेश्चन बेसिकली। पहला क्वेश्चन मैं उनसे ये करता हूँ कि आप फेसबुक पे हो, वो कहते हैं हाँ मैं फेसबुक पे हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं ये करता हूँ उनसे कि क्या आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक पे डेली, तो उसके जवाब में डिफरेंट आंसर्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, कुछ लोग कहते हैं मैं सारा सारा दिन स्पेंड करता हूँ। नाउ तीसरा क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा दैट्स वेरी गुड, आप फेसबुक पे इतना टाइम लगा रहे हैं, तो फेसबुक से आप कितनी अर्निंग करते हैं? जी, इस क्वेश्चन के जवाब में एक थोड़े से टाइम के लिए सन्नाटा छा जाता है और लोग सोचते होते हैं नहीं मैं तो फेसबुक से अर्निंग नहीं कर रहा। मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कि वो फेसबुक से अर्निंग नहीं कर रहे तो शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली पूरी दुनिया में कोई भी आदमी नहीं जो फेसबुक से अर्निंग कर रहा हो, क्योंकि फेसबुक का बिजनेस मॉडल ही ऐसा नहीं है। सो साइटॉक की जो डिफरेंस है वो यही है कि साइटॉक पे आप जब दोस्तों का, फ्रेंड्स का नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, तो आप साइटॉक से पैसे अर्न करना शुरू कर सकते हो। राइट, सो ये जो आप इस वर्ल्ड मैप पे फिर देख रहे हैं दोबारा से, जो जो आपको स्पॉट नजर आ रहा है, दिस इज इन स्कैंडिनेविया इन नॉर्दर्न यूरोप, और ये कंट्री कहलाती है नॉर्वे। नॉर्वे वो दुनिया की पहली कंट्री थी जहां पे दुनिया के सबसे पहला साइटॉक का मेंबर था। ओके, साइटॉक एक्चुअली नॉर्वे से स्टार्ट हुई, नॉर्वे के मेंबर्स ने स्टार्ट की वहां से। सो उसके बाद साइटॉक फैलती चली गई, ऑफ कोर्स यूरोप में उनके कुछ और दोस्त होंगे, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया डिफरेंट ममालिक में, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया डिफरेंट ममालिक में, और फैलते फैलते साइटॉक जो है दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में फैलना शुरू हो गई। और अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि ग्रीन स्पॉट्स हैं राइट और लेफ्ट पे। ये ग्रीन स्पॉट्स वो हैं जहाँ पे इस वक्त स्ट्रॉन्ग तरीन बिजनेस है साइटॉक का। ओके, और ये येलो स्पॉट्स हैं
ये वो हिस्से हैं दुनिया के जहां पे के साइटोक एक्टिवली अभी बिल्ड हो रही है, अभी बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, जिसमें के साउथ ईस्ट एशिया शामिल है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान शामिल है, जिसमें के मिडिल ईस्ट शामिल है, दुबई और उसके इर्द-गिर्द की कंट्रीज, जिसमें के अफ्रीका शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका, नाइजेरिया, जिम्बाब्वे और इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज है। इसके अलावा दुनिया में ऑफिशियली ऑफिशियल फिगर जो है, दुनिया में 50 से ज्यादा ममालिक में इस वक्त साइटोक इस्तेमाल की जा रही है, ओके, विच इज अ वेरी बिग नंबर, खास तौर पे सिर्फ एक साल पुरानी कंपनी के लिए। साइटोक जी, एग्जैक्टली, साइटोक एक साल पहले लॉन्च हुई थी और इस वक्त साइटोक के 700,000 के करीब मेंबर्स हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, ये 2 वीक पहले, 3 वीक पहले मैंने बनाई थी प्रेजेंटेशन, तो उसमें 600,000 लिखा था हमने, क्योंकि उस वक्त 600,000 मेंबर्स थे। अभी साइटोक के 700,000 के करीब मेंबर्स हो चुके हैं। सो अभी इसके बाद क्या होगा? 2010 में है अभी, 2011 में है अभी, 2011 में 700,000 मेंबर्स हो चुके हैं। अब साइटोक के जो लोग हैं वो अपने, ऑफ कोर्स, अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, और पलक झपकने से पहले साइटोक 1 मिलियन हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 10 मिलियन हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट साइटोक जो है वो 100 मिलियन हो जाएगी, और साइटोक पूरी दुनिया पे उस वक्त छा जाएगी, राइट? 100 मिलियन के बाद 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन। तो इस वक्त साइटोक जबकि 700,000 मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में, और सबसे बड़ी प्रिविलेज इस वक्त ये है कि आप पहले 1 मिलियन मेंबर्स में ज्वाइन कर चुके, और अनदर और 300,000, 3 लाख और मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि साइटोक के पहले 1 मिलियन में आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बाद साइटोक के मेंबर्स 5 मिलियन हो जाएंगे, 10 मिलियन हो जाएंगे, 50 मिलियन हो जाएंगे, 100 मिलियन हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, राइट? लेकिन वो जो पहले 1 मिलियन होने का एजाज है, या पहले 1 मिलियन होने का वो जो एक फीलिंग है कि आई वाज इन द फर्स्ट 1 मिलियन, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो जल्दी से अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी इस फर्स्ट 1 मिलियन में आ सके। नाउ एक और चीज, इस वक्त जबकि साइटोक इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी हो चुकी है, इस वक्त क्वेश्चन ये पैदा नहीं होता कि क्या साइटोक 100 मिलियन तक जाएगी या नहीं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या आपके टीम में इन 100 मिलियन लोगों में से कितने लोग मिलियन लोग होंगे, आपकी टीम में इन 100 मिलियन लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे और ज्वाइन करेंगे, ओके? ये क्वेश्चन पैदा होता है जो कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप अगर फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो यू शुड नो के विच इज द कंपनी बिहाइंड दिस होल बिजनेस आइडिया एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल बिजनेस प्लान। तो ये आपके सामने एक ग्रुप स्ट्रक्चर है, राइट साइड पर देख रहे हैं कंपनी ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम है, ये कंपनी का एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन प्रोग्राम की कंपनी है, जैसे कि द ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम बोलते हैं। फिर जो साइटोक कम्युनिटी, सोशल नेटवर्क कम्युनिटी जिस प्लेटफॉर्म पे की जाती है उसका नाम है साइटोक। ऑन द लेफ्ट आप देख रहे हैं यूनाइको, जो कि सर्विसेज एंड मार्केटिंग चैनल है पूरी कंपनी का, और ये तीनों कंपनीज जो है आप देख रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम नीचे अगर आप देखिए तो ये यूके में रजिस्टर्ड है, यूनाइटेड किंगडम में, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जो साइटोक है ये भी यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है, इसका नंबर भी लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर यूनाइको जो है वो हांगकांग और सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके सामने लिखे हुए हैं इस वक्त। नाउ ये सारी कंपनीज और इन तीनों कंपनीज के अंदर बिलो भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। ये तीनों कंपनीज और दूसरी कंपनीज मिलके यूनाइको होल्डिंग के अंदर आती हैं। ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है कंपनी का। होल्डिंग कंपनी मतलब कि सारी कंपनीज के शेयर्स ओनरशिप होल्डिंग यूनाइको होल्डिंग के पास है। सो यूनाइको होल्डिंग इज द बिग मेन कंपनी जो कि इन सारी कंपनीज को ऑन करती है वगैरह। नाउ Now, आपके सामने जो स्लाइड इस वक्त मौजूद है ये है कंपनी के ऑफिसेस। पूरी दुनिया में इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कंपनी ने अपने ऑफिसेस खोले हैं, जिनमें के कुछ आपके सामने हैं। टॉप लेफ्ट टॉप राइट पे देखें तो आपको नजर आ रहा है ऑफिस साइटोक कम्युनिटी का, साइटोक अकेडमी के नाम से ऑफिस है हांगकांग में। फिर लेफ्ट लेफ्ट साइड पे ऑफिस है सिंगापुर में, यूनाइको होल्डिंग का हेडक्वार्टर है। फिर बॉटम लेफ्ट पे ऑफिस है हांगकांग में अगेन,
लेकिन ये मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है यूनाइको का, और राइट साइड पर जो ऑफिस देख रहे हैं आप, ऑफिस बिल्डिंग जो है ये कंपनी का यूरोपियन हेडक्वार्टर है, और जो यूनाइको के ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, पूरी दुनिया के जो प्रेसिडेंट हैं इस कंपनी के, ये उनका ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड में। और इसके अलावा ऑफिस हैं लेटविया में, रीगा में आईटी डेवलपमेंट का, फिर इवेंट्स मैनेजमेंट का ऑफिस है स्लोवेनिया में, लुबियाना में, जर्मनी मंस्टर में ऑफिस है सपोर्ट का, इसी तरह ताइवान में ऑफिस है टाइपे में, और स्पेन में ऑफिस रिसेंटली खुला है, और वेरी सून आप लोग अच्छी न्यूज लेंगे कि कंपनी अपने ऑफिस बांग्लादेश में और पाकिस्तान में भी खोलने जा रही है। इस वक्त इन चीजों के ऊपर तेजी से काम हो रहा है, और वेरी सून यू विल गेट दिस न्यूज इंशाल्लाह। राइट, अब आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट के बारे में, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि इतना बड़ा बिजनेस आइडिया, इतना सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया पूरी दुनिया में कौन लोग हैं जो इसको रन कर रहे हैं। सो आपके सामने जो साहब मौजूद है, इनकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है, इनका नाम है मिस्टर डैन एंडरसन, और ये कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, पूरी दुनिया के कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, और उनके लेफ्ट साइड पे इनका बायो डेटा भी लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं मिस्टर रूने एवंसन, जो कि कंपनी के सीईओ हैं, इनका बायो डेटा भी आपके सामने मौजूद है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा सब लोगों की, क्योंकि आप ये इंफॉर्मेशन सीनियर मैनेजमेंट की, आप जो यूनाइको प्रेजेंटर है आपने यूनाइको बैक ऑफिस से, उसको डाउनलोड करके ये इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं, बहुत मुश्किल है इंफॉर्मेशन मालूम करना, यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन। फ्रैंक विकेट्स, जो कि इस वक्त कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, राइट, मिस्टर हारिक एंड्रियसन, ये कंपनी के सीओओ हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। फिर है मिस्टर थॉमस नॉर्डलैंड, ये कंपनी के ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं, ग्लोबल ट्रेनिंग डायरेक्टर। फिर है मिस्टर कैनी नॉर्डलैंड, ये कंपनी के ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर। उसके अलावा मिस्टर स्टीवन मोरली, ये कंपनी के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं। इनका काम है कि मेक श्योर कंपनी पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी काम कर रही है वो 100% लीगल है, कंप्लायंट है लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, जो कि कंपनी ने बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया। इस वक्त यूनाइको साइट ऑफ दुनिया में जहां जहां पे भी है वहां की टॉप लॉ फर्म के साथ रब्ता करके वहां से कंपनी की इवेल्युएशन लेके और कंपनी को रन कर रही है। फिर मिस्टर जॉन इंग है, और ये है जनरल मैनेजर है, और इसी तरह स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेशन ग्रीनवुड, और ये सब लोग बिजनेस रन कर रहे हैं टॉप मैनेजमेंट में। एक चीज आपको बताता चलूं कि जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट अगर सबका एक्सपीरियंस इकट्ठा किया जाए तो उनका 200 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस बनता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इस स्लाइड के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है कंपनी की स्टोरी, फेसबुक की स्टोरी। फेसबुक शुरू हुई फरवरी 2004 में, फिर अगस्त में, 4 साल के बाद पहले 100 मिलियन हुए। उसके बाद अप्रैल 2009 में, तो एक साल से पहले ही कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो 100 से 200 मिलियन हो गए। फिर अप्रैल से सितंबर तक तकरीबन एक साल के अरसे में 200 से 300 हो गए। फरवरी में, जुलाई में, जनवरी 2011 में 600 मिलियन हो गए, और एक्चुअली देयर शुड बी न्यू बार कि फरवरी 2011 में कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो 700,000 हो चुके हैं। जबकि साइटो की स्टोरी क्या है, साइटो की स्टोरी है, साइटो ने स्टार्ट किया फरवरी में और उसके 30,000 मेंबर्स थे, क्योंकि उससे पहले साइटो प्री लॉन्च कर चुकी थी, और फिर मई में जाके 100,000 मेंबर्स हो गए, सितंबर में 200,000, अक्टूबर में 300, दिसंबर में 400, जनवरी में 500, और अब देखिए और फरवरी में, जनवरी में ही 600 हो गए थे, और फरवरी में फिर अभी इस वक्त 700,000 मेंबर हो चुके हैं। पिछले एक महीने के अरसे में ऑलमोस्ट 200,000 लोगों ने ज्वाइन किया कंपनी के अंदर। नाउ और जिस तेजी से ये नेटवर्क ग्रो कर रहा है, बहुत उम्मीद है कि विद इन मार्च नेक्स्ट मंथ के अंदर कंपनी 1 मिलियन, फर्स्ट 1 मिलियन मेंबर्स को हिट कर लेगी, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत बड़ी और एक ऑनर है एक साल की
पुरानी कंपनी के लिए. नाउ आपके सामने जो मौजूद है alexa.com का ट्रैफिक रैंकिंग बोर्ड. alexa.com एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, आप सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए किसी भी वेबसाइट के बारे में. जब हमने यहाँ पे siteof.com का नाम डाला तो पता चला कि उस वक्त 20,816 उसकी अलेक्सा ट्रैफिक थी. रिसेंटली मैंने जब चेक किया था तकरीबन